Good morning, kids. Good morning, kids. Here is your Ishneet, ma'am. Here is your Jasminder, ma'am. How are you all? They are fit, fine, and cheerful. So, are you all ready to start your day with us? Yes. So, stand up, everyone. Join your hands. Close your eyes and start Namo Kar Mantra. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Airiyanam. Namo Uvchayanam. Namo Loe Savya Sahunam. Eso Panch Namo Karo Savya Pavpanhasano. Manglanam Che Savya Singh. Paramamahavai Mangalam. Continue with Guru Mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwarai, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri, Guruve Namaha. Continue with Gayatri Mantra. Om Bhuvasvaha, Tassavitulvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Okay, now open your eyes. Are you all feeling relaxed? Yes. Okay, kids, so are you all ready to start your day? Yes. Okay, now kids, tell us, what is the date today? Today is 12th February 2021. Yes, today is 12th February 2021. And what is the day today? Today is Friday. Today is Friday. Okay, kids, so today we are going to learn a very new topic, and that is different types of rooms. Yes, today we are going to learn different types of rooms. All right. Okay, what is a house? A house is a place for people to live in. House वो जगह होती है जहाँ पर लोग रहते हैं. See, this is a house. ये क्या है? घर है. Yes, and a house is a place for people to live. House वो जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं. Okay, kids, हम सब कहाँ रहते हैं? हम अपने घर में रहते हैं. Yes, हम सब अपने house में रहते हैं ना. So, this is a house. ये क्या है? This is a house. Okay, kids, house have special areas or rooms to do things that we need to live our life comfortably. House में, घर में ऐसे कई areas होते हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबली रह सकते हैं. ओके kids, हमारे घर में होते हैं ना बहुत सारे डिफरेंट रूम्स, और वहां पर हम अपनी बहुत सारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सो दैट हमारी लाइफ कंफर्टेबली हम रह सके. ओके kids, सो वी हैव डिफरेंट रूम्स टू ईट, टू स्लीप, टू स्टडी, टू कुक, टू वॉश. ओके, हमारे घर में बहुत सारे डिफरेंट रूम्स होते हैं जहाँ पर हम अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि खाना पकाना, खाना खाना, स्टडी करना, वॉश करना, टीवी देखना. ओके kids, सो हमारे घर में होते हैं ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रूम्स, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन आवर हाउस. हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं और हम हर अलग अलग रूम्स में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. हम सोने के लिए दूसरे रूम में जाते हैं तो हम खाना दूसरे रूम में बनाते हैं, ऐसा होता है ना. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन आवर हाउस. हमारे घर में बहुत डिफरेंट रूम्स होते हैं. And today we are going to learn about different types of rooms. आज हम उन्हीं different rooms के बारे में बात करेंगे. So we have 6 rooms in our house. We have 6 rooms. And that is dining room. Dining room. Study room. Study room. Kitchen. Kitchen. Bathroom. Bathroom. Drawing room. Drawing room. Also known as living room. And bedroom. So kids, we have 6 rooms in our house. हमारे घर में 6 rooms होते हैं. And today we are going to learn 3. Okay, आज हम 3 rooms के बारे में पढ़ेंगे. Yes. So are you all ready? Yes, we all are ready. So सारे kids को मैम की बात को बहुत अच्छे से सुनना है. कि फिर एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैम आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगी. ऑलराइट किड्स,
ओके किड्स, नाउ सी व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ लिविंग रूम. यस, दिस इज द लिविंग रूम. एंड लिविंग रूम इज आल्सो नोन एज ड्रॉइंग रूम. सो किड्स, हम लिविंग रूम को और क्या बोलते हैं? लिविंग रूम को हम ड्रॉइंग रूम भी बोलते हैं. यस, एंड इट इज द फर्स्ट रूम दैट यू सी व्हेन यू एंटर द हाउस. ये पहला रूम होता है, पहला कमरा होता है जब हम घर में एंटर करते हैं, तो हमें सबसे पहले यही दिखता है. ओके किड्स, जब हम अपने घर में एंटर करते हैं ना, तो जो सबसे पहला रूम होता है ना, वो क्या होता है हमारा? लिविंग रूम. यस, एंड लिविंग रूम इज आल्सो नोन एज ड्रॉइंग रूम. इट इज अ प्लेस फॉर रिलैक्सिंग एंड सोशलाइजिंग. ये वो जगह है जहाँ पर हम रिलैक्स करते हैं, हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं. ओके किड्स, सो हम लिविंग रूम में क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, उनके साथ चिट चैट करते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं. हमारे घर में जितने भी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनको बिठाते हैं, उनसे बातें करते हैं. आपने देखा है ना, सो ये सारी एक्टिविटीज हम कहाँ परफॉर्म करते हैं? लिविंग रूम में. इट इज यूज फॉर एंटरटेनिंग फ्रेंड्स, वॉचिंग टीवी और रीड न्यूज़पेपर्स. ये वो जगह है जहाँ पर हम न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं, टीवी देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं. ओके किड्स, हम लिविंग रूम में, ड्रॉइंग रूम में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. सो व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ लिविंग रूम. दिस इज अ लिविंग रूम. एंड लिविंग रूम इज द फर्स्ट रूम दैट यू सी व्हेन यू एंटर द हाउस. लिविंग रूम पहला रूम होता है जो हम एंटर करते ही देखते हैं. ओके, इट इज यूज्ड फॉर रिलैक्सिंग एंड सोशलाइजिंग. यहाँ पर हम बैठकर रिलैक्स करते हैं और हमारे गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, उनसे बात करते हैं, फ्रेंड से बातें करते हैं. ओके किड्स, इट इज नोन एज ड्रॉइंग रूम. इसे हम ड्रॉइंग रूम भी बोलते हैं. कि नाउ थिंग्स दैट वी सी इन आवर लिविंग रूम आर, हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं अपने लिविंग रूम में? हम सबसे पहले देखते हैं सोफाज. सोफाज होते हैं ना हमारे लिविंग रूम में. एंड और क्या होता है? व्हाट इज दिस? सी, दिस इज अ सेंटर टेबल. यस किड्स, आपने देखा है ना हमारे लिविंग रूम में सोफा के बीच में क्या होती है? सेंटर टेबल. एंड और क्या होता है? सी, व्हाट इज दिस? कार्पेट. यस, दिस इज अ कार्पेट. एंड कार्पेट के ऊपर हम क्या रखते हैं? सेंटर टेबल. कार्पेट के ऊपर हम सेंटर टेबल रखते हैं. ओके, एंड व्हाट एल्स टू बी सी? सी, दिस इज अ टेलीविजन. यस, हमारे लिविंग रूम में होती है ना टेलीविजन, टीवी. ओके, नाउ सी, व्हाट इज दिस? विंडो. यस, विंडोज. आपने देखा है ना हमारे लिविंग रूम में क्या होती है? विंडो होती है. और क्या होते हैं विंडो के साथ? कर्टेन्स होते हैं. ओके, नाउ सी, व्हाट इज दिस? दीज आर वॉल पेंटिंग. यस, दीज आर वॉल पेंटिंग्स. जो वॉल पे हम पेंटिंग्स लगाते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉल पेंटिंग. यस, उन्हें हम बोलते हैं वॉल पेंटिंग्स. और क्या होते हैं हमारे लिविंग रूम में? ये क्या है? दिस इज अ फ्लावर वास. दिस इज अ फ्लावर वास. ओके किड्स, हमारे लिविंग रूम में आपने देखा कितनी सारी थिंग्स होती हैं. ओके, सो वी विल डू इट वंस अगेन. सोफास. सोफा. सेंटर टेबल. सेंटर टेबल. कार्पेट. कार्पेट. टेलीविजन. टेलीविजन. विंडोज. विंडोज. कर्टेन्स. कर्टेन्स. वॉल पेंटिंग्स. वॉल पेंटिंग. एंड फ्लावर वास. एंड फ्लावर वास. सो व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ लिविंग रूम. दिस इज अ लिविंग रूम. एंड इट इज द फर्स्ट रूम दैट यू सी व्हेन यू एंटर द हाउस. ये पहला रूम होता है जब भी हम घर में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? लिविंग रूम. एंड इट इज आल्सो नोन एज ड्रॉइंग रूम. उसे हम ड्रॉइंग रूम भी बोलते हैं. ओके किड्स, कि नाउ सी द नेक्स्ट रूम. सी, व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ बेडरूम. यस, दिस इज अ बेडरूम. एंड अ बेडरूम इज द प्लेस वेयर वी स्लीप.
बेडरूम वो जगह है जहाँ पर हम सोते हैं। सो किड्स, जब हम पूरे दिन बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो हम टायर्ड हो जाते हैं ना, तो हम रात को रिलैक्स करने और सोने कहाँ जाते हैं? अपने बेडरूम में। यस, हम कहाँ जाते हैं सोने? अपने बेडरूम में। सो बेडरूम इज अ प्लेस वेयर वी स्लीप एट नाइट। बेडरूम वो जगह है, वो रूम है जहाँ पर हम रात को सोते हैं। इट इज यूज फॉर रिलैक्सिंग एट नाइट। ये यहाँ पर हम रात को रिलैक्स करते हैं। ओके किड्स, एंड अ बेडरूम इन विच अ बाथरूम इज अटैच्ड इज नोन एज मास्टर बेडरूम। वो बेडरूम जिसमें बाथरूम अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसे मास्टर बेडरूम बोलते हैं। ओके किड्स, व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ बेडरूम। दिस इज अ बेडरूम, एंड अ बेडरूम इज अ प्लेस वेयर वी स्लीप एट नाइट। बेडरूम वो रूम है जहाँ पर हम रात को सोते हैं। बेडरूम वो प्लेस है जहाँ पर हम रात को सोते हैं। जब हम पूरा दिन बहुत थक जाते हैं ना एक्टिविटीज परफॉर्म करके, तो हम अपने बेडरूम में रिलैक्स करने और रात को सोने जाते हैं। ओके किड्स, नाउ थिंग्स दैट वी सी इन आवर बेडरूम आर बेड। बेड। सो बेड क्या होता है किड्स? पलंग। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेड। मैट्रेस। दिस इज अ मैट्रेस। ओके किड्स, सो मैट्रेस क्या होता है? गद्दा। मैट्रेस क्या होता है? गद्दा, जिस पर हम सोते हैं। ओके, नाउ सी व्हाट आर दीस? दीस आर पिलोस। दीस आर पिलोस। के पिलोस क्या होते हैं? जिस पर हम अपना सर रख कर सोते हैं। ओके, एंड किड्स और क्या होता है हमारे बेड पे? हमारे बेड पे होती है क्विल्ट। क्विल्ट मींस रजाई। यस, क्विल्ट मींस रजाई। ओके किड्स, और क्या होता है हमारे बेडरूम में? हमारे बेडरूम में होता है क्लोजेट। सो क्लोजेट क्या होता है? क्लोजेट वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने कपड़े स्टोर करते हैं। ओके किड्स, सो क्लोजेट में हम अपने क्लोथ्स को स्टोर करते हैं। जो भी हमारी अदर एक्सेसरीज होती है ना क्लोथ्स के साथ, वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? क्लोजेट में। सो क्लोजेट को हम और क्या बोलते हैं? कबर्ड, वार्डरोब। ओके, सो क्लोजेट को हम कबर्ड भी बोलते हैं और वार्डरोब भी बोलते हैं। और क्या होता है हमारे बेडरूम में? ड्रेसिंग टेबल। सो ड्रेसिंग टेबल पे क्या करते हैं हम? हम रेडी होते हैं। यस, ड्रेसिंग टेबल में हम रेडी होते हैं, हम ड्रेसिंग अप होते हैं। और हमारे बेडरूम में क्या होता है? साइड लैम्प। साइड लैम्प की आपने देखा है हमारे बेडरूम में क्या होता है? और साइड लैम्प, एंड विंडोज। विंडोज। कर्टेन्स। कर्टेन्स। रग। रग। रग क्या होती है किड्स? जो हमारे बेड के नीचे जो कार्पेट होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रग। एंड और क्या होता है हमारे बेडरूम में? बेड साइड डेस्क। बेड साइड डेस्क। जो हमारे बेड के पास में जो डेस्क बना होता है ना, जिसमें बहुत सारे ड्रॉज होते हैं, वो क्या होता है? बेड साइड डेस्क। एंड और क्या होता है हमारे बेडरूम में? वॉल पेंटिंग्स। वॉल पेंटिंग्स। ओके, एंड एसी। एसी। डोरमेट। डोरमैट। सो किड्स, आपने देखा है डोरमैट तो हमारे सारे रूम्स में होती है ना। जब भी हम एंटर करते हैं डोर से, तो सबसे पहले नीचे जो होती है ना, वो क्या होती है? डोरमैट। एंड हमारे सारे रूम्स में एसी भी होता है, फैन भी होता है, ट्यूबलाइट भी होती है, कूलर्स भी होते हैं। ओके किड्स, नाउ व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ बेडरूम। दिस इज अ बेडरूम, एंड बेडरूम इज अ प्लेस वेयर वी स्लीप एट नाइट। बेडरूम वो रूम है जहाँ पर हम रात को सोते हैं। एंड अ बेडरूम इन विच अ बाथरूम इज अटैच्ड इज नोन एज मास्टर बेडरूम। वो बेडरूम जिसमें बाथरूम अटैच्ड होता है, उसे हम मास्टर बेडरूम बोलते हैं। सो व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ बेडरूम। दिस इज अ बेडरूम। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रूम। सी व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ किचन। यस, दिस इज अ किचन। And you know kids, kitchen is the main room of a house. Kitchen हमारे घर का main room है. Yes, it is a place where we cook
कुकर फूड, ये वो रूम है जहाँ पर हम अपना खाना पकाते हैं। ओके किड्स, किचन क्या है? किचन वो जगह होती है जहाँ पर हम अपना खाना पकाते हैं। ओके, एंड हमारे जितने भी ईटेबल्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, वो भी हम कहाँ स्टोर करते हैं? किचन में। के हम अपने फूड आइटम्स को स्टोर और कुक कहाँ करते हैं? किचन में। और आपने देखा है ना, हमारी मम्मा इतना यमी यमी फूड बनाती है, तो वो कहाँ पर बनाती है इतना यमी फूड? किचन में। यस, मम्मा किचन में बनाती है यमी यमी फूड। ओके, नाउ थिंग्स दैट वी सी इन आवर किचन आर, हमारे किचन में क्या क्या होता है? गैस स्टोव। मैम, गैस स्टोव क्या होता है? जिस पर हम खाना पकाते हैं। यस, जिस पर हम खाना पकाते हैं उसे हम बोलते हैं गैस स्टोव। और क्या होता है हमारे किचन में? चिमनी। रेफ्रिजरेटर। सो किड्स, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज, जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं। कि केज हमारे घर में है ना, जिसमें हम अपना खाना स्टोर करते हैं ताकि हमारा फूड खराब ना हो, तो वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? रेफ्रिजरेटर। यस, वो हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। और हमारे किचन में क्या होता है? यूटेंसिल्स। सो यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन, लाइक प्रेशर कुकर, कढ़ाई। ओके किड्स, ये सब क्या होते हैं? यूटेंसिल्स। और हमारे किचन में क्या होती है? कटलरीज। मैम, कटलरीज क्या होती है? कटलरीज आर स्पून, फोक्स, नाइफ, प्लेट्स, बाउल्स, जिसमें हम अपना खाना सर्व करते हैं या फिर ईट करते हैं। ओके, सो वो सब क्या होती है? कटलरी। एंड हमारे किचन में और क्या होता है? सिंक। सिंक में हम क्या करते हैं? हम अपने यूटेंसिल्स, अपनी कटलरीज को वॉश करते हैं। यस, जो यूटेंसिल्स, जो कटलरीज गंदी हो जाती है ना, जिन्हें हम यूज कर लेते हैं, तो हम उन्हें कहाँ वॉश करते हैं? सिंक में। यस, हम उन्हें वॉश करते हैं सिंक में। और हमारे किचन में क्या होता है? सिलेंडर। यस, एंड व्हाट एल्स? ओके किड्स, और हमारे किचन में कबर्ड्स होती है, बहुत सारी ड्रॉर्स बनी हुई होती है ना, जिनमें हम अपने यूटेंसिल्स रखते हैं। ऑलराइट, सो व्हिच रूम इज दिस? दिस इज अ किचन एंड किचन इज द मेन रूम ऑफ अ हाउस। किचन हमारे घर का मेन रूम होता है। इट इज अ प्लेस वेयर वी कुक फूड। ये वो जगह है, ये वो रूम है जहाँ पर हम अपना खाना पकाते हैं। ये जहाँ पर हमारी मम्मा यम्मी यम्मी खाना पकाती है ना, तो वो कहाँ पकाती है? किचन में। सो विच रूम इज दिस? दिस इज अ किचन। ओके, अब हम किचन में कौन कौन सी थिंग्स देखते हैं? विल डू इट वंस अगेन। गैस स्टोव, सिलेंडर, चिमनी, रेफ्रिजरेटर, यूटेंसिल्स, कटलरीज, सिंक, एंड कबर्ड, एंड ड्रॉर्स, कबर्ड्स। ओके, सो इतने सारे जो ड्रॉर्स होते हैं ना, और आपने देखा है किड्स, हमारे सारे रूम्स में कुछ थिंग्स होती है ना, वो कॉमन होती हैं। लाइक सारे रूम्स में सीलिंग फैन होता है, ट्यूबलाइट होती है, ओके, एंड एसी होता है या फिर कूलर होता है। ओके, सो ये सारी जो थिंग्स होती है ना, लाइक क्लॉक, ये सारे रूम्स में कॉमन होती है। ओके, सो वी हैव डन 3 टाइप्स ऑफ रूम्स टुडे एंड नाउ वी विल डू अ राइम। सो आर यू ऑल रेडी? यस। सो यू ऑल हैव टू स्पीक विद मैम एंड यू हैव टू डू एक्शंस एज वेल। ओके किड्स, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। This is my little house, warm, cozy, small. Let's walk through this house, I'm sure you love it all. This is my little house, warm, cozy, small. Let's walk through this house, I'm sure you love it all. I take you to kitchen to see what's been cooking. Salad, soups, pastas will surely keep you looking. I take you to kitchen to see what's been cooking. Salad, soups, pastas will surely keep you looking. This is my little house, warm, cozy, small. Let's walk to this house, I'm sure you love it all. This is my bedroom, my favorite place to be.
Dreaming in my bed about the things I wish to see. This is my bedroom, my favorite place to be. Dreaming in my bed about the things I wish to see. This is my little house, small, cozy, small. Let's walk through this house, I'm sure you love it all. Here is the living room where we watch TV or read newspaper over a cup of tea. Here is the living room where we watch TV or read newspaper over a cup of tea. This is my little house, warm, cozy, small. Let's walk through this house, I'm sure you love it all. Yay! So, सबको मजे आए ना kids? So, हमने इस टाइम में क्या देखे? Three types of rooms. जो हमने आज आज किए ना, that is bedroom, kitchen, And drawing room. Okay, अब मैम ने आपको बहुत अच्छे से explain किया ना. Now you have to answer. अब मैम अब आपसे questions put up करेंगी and you all have to answer. All right, kids? Yes. Okay, now the first question is, which room is this? Who is going to answer? Raise your hand. Gaurik, please unmute yourself. Yes, Gaurik. Unmute yourself, Gaurik. Yes, Peter, which room is this? Anybody else who wants to answer? Raise your hand. Devik, please unmute yourself. Yes, Devik, unmute yourself. Yes, anybody else who wants to answer? Ahan Gupta, please unmute yourself. Drawing room. Very good. This is a drawing room. Drawing room. Okay, now see the next question is, which room is this? Who is going to answer? Raise your hand. Naksh Agarwal, please unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Which room is this? Ma'am, this is a bedroom. Very good. Very nice. This is a bedroom. Okay, now the next question is, which room is this? Kunsh, please unmute yourself. Kitchen. Very good. This is a kitchen. Okay, now the next question is, where are mama cooks yummy, yummy food? Who is going to answer? Raise your hand. Vivan Saini, please unmute yourself. Vivan Singh, please unmute yourself. Kitchen. Nice. Okay, now the next question is, where do we sleep? In which room do we sleep? Anaya, please unmute yourself. Bedroom. Very good. Very nice. And bedroom. And in which room do we watch TV? Vihan, please unmute yourself. Bolo. Ma'am, aapse pooch rahi Vihan. Bolo. Yes, Vihan. Okay. In which room? Which room do we watch TV? Bedroom. No, Vihan, in living room. No, beta, hum TV kaun se room mein dekhte hain? Room. In living room. In living room. Very good. In living room. Which is also known as drawing room. Okay, now the next question is, I am round in shape, but I am not a pizza. I have hands, but I don't have fingers. And I have 12 numbers on my face. Guess who am I? Lumansh, please unmute yourself. Yes, Lubhansh, unmute yourself.
एनीबडी एल्स? अविघ्न प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मुझसे पूछा है। बताओ। यस बेटा। बताओ क्या होता है? व्हाट इज द आंसर? 12। नो बेटा स्पीक लाउडली। 12 व्हाट? It's a clock. Very good. Okay, now the next question is, I am very sharp and I am used to cut and chop food items. Guess who am I? Ayansh Agarwal, please unmute yourself. Knife. Very good. Very nice. Okay, now the next question is, I am square or rectangular in shape and you can see many pictures on my face. Guess who am I? Avika, please unmute yourself. Yes, Avika, please unmute yourself. TV. TV. Very good. Very nice. Okay, now the next question is, I am used to store many eatable items. Tarun, please unmute yourself. Good job. Yes, beta. Speak again. Yes, anybody else who wants to answer? Tanav, please unmute yourself. Message. Very good. Very nice. Now the next question is, I am used to store clothes and other accessories. Guess who am I? Garanshi, please unmute yourself. What is true? Almira bhi bolta. Almira. Very good, very nice. Okay, kids, so I hope आप सबको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक, right? Yes. Okay, now we'll do another topic, and that is today we are going to do an interesting experiment of float and sink. Yes, आज हम float and sink का बहुत interesting experiment देखेंगे. All right? फ्लोट का मतलब क्या होता है? So kids, float means तैरना. Float means तैरना. Float means तैरना. And sink means डूबना. Sink means डूबना. Okay kids, so आज हम float and sink का experiment करेंगे. Float means तैरना. Float means तैरना. And sink means डूबना. Sink means डूबना. So kids, ऐसे objects जो क्या होते हैं, वेट में लाइट होते हैं, जिनमें बहुत सारा एयर कंटेंट होता है, और जो वुडन के बने हुए होते हैं वो वाटर सरफेस में फ्लोट करते हैं. वो क्या करते हैं वाटर सरफेस पे? तैरते हैं. ओके किड्स, सो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हल्के होते हैं वजन में और जिनमें एयर कंटेंट बहुत सारा होता है और जो वुडन के बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं वाटर सरफेस पे? फ्लोट करते हैं. Yes, वो वॉटर सरफेस पे तैरते हैं. किड्स, इन ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत हैवी वेट के होते हैं, बहुत भारी होते हैं, जो किससे बने हुए होते हैं? मेटल से बने हुए होते हैं. वो क्या करते हैं? वॉटर में सिंक हो जाते हैं. Yes, के जितने भी मेटल से बने हुए आइटम्स होते हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैवी होते हैं, वो वॉटर में सिंक हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं. ओके किड्स, सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड वी विल सी कि कौन से ऑब्जेक्ट्स पानी में फ्लोट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स पानी में सिंक हो जाते हैं. ओके किड्स, सो फ्लोट मींस तैरना एंड सिंक मींस डूबना.
सो आर यू ऑल रेडी? आपको एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से देखना है, फिर मैम आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगी. ऑल राइट किड्स, ओके नाउ सी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. See what is this? This is a balloon. Yes, this is a balloon. अब हम देखेंगे कि क्या होगा बलून के साथ एक्सपेरिमेंट. Okay, now see, बलून तो पानी में नहीं डूबा ना, बलून तो क्या हो रहा है वॉटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है kids? क्योंकि बलून बहुत लाइट वेट का होता है ना, और बलून को हम कैसे फिल करते हैं विद एयर, तो इसमें हम बहुत सारी एयर डालते हैं ना, इसलिए ये वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है, तैरता है. ओके नाउ सी द अनदर ऑब्जेक्ट. सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ नाइफ. यस दिस इज अ नाइफ. ओके नाउ विल सी. यस सी, नाइफ क्या हो गई? पानी में डूब गई, पानी में सिंक हो गई. आपने देखा नाइफ ने तो ऊपर फ्लोट नहीं किया, ये तो पानी में सिंक हो गई. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज नाइफ इज मेड अप ऑफ अ मेटल. किससे बनी है नाइफ? मेटल से. और जितने भी मेटल के आइटम्स होते हैं ना, वो वॉटर में सिंक हो जाते हैं. नाउ सी अनदर ऑब्जेक्ट. See what is this? This is a ball. Okay, अब हम बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट देखेंगे. ओ, बॉल तो पानी में नहीं डूबी, ये तो वॉटर सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लाइट वेट की है. Okay, now see another object. Okay, now what is this? This is a scissors. Okay, अब हम देखते हैं scissors के साथ क्या एक्सपेरिमेंट होगा. ओ, सिजर्स तो पानी में डूब गई, ये तो वाटर में सिंक हो गई, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ मेटल. ऑलराइट, नाउ सी अनदर ऑब्जेक्ट. सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्लॉक. अब हम देखते हैं कि ब्लॉक के साथ क्या एक्सपेरिमेंट होगा. सी किड्स, ब्लॉक भी क्या हो रहा है? वाटर सरफेस पे फ्लोट हो रहा है, ये भी पानी में नहीं डूबा. ओके नाउ सी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. यस किड्स, सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ बाउल. दिस इज अ बोल. एंड नाउ वी विल सी कि बोल के साथ क्या होगा. ओके नाउ सी किड्स, बोल के साथ क्या हुआ? बोल तो पानी में डूब गया, बोल तो पानी में सिंक हो गया. ओके, बिकॉज बोल इज मेड अप ऑफ मेटल, और जितने भी मेटल के आर्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये पानी में डूब जाते हैं. ओके नाउ सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोट. यस दिस इज अ बोट. एंड अब हम देखेंगे कि बोट के साथ क्या एक्सपेरिमेंट होगा. ओके, आपने देखा कि बोट तो पानी में फ्लोट कर रही है, ये तो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रही है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बोट बहुत लाइट वेट की होती है, और जो रियलिटी में आप बोट देखते हैं ना रिवर और पूंड में, वो क्या होती है? वो वुडन की बनी हुई होती है. तो जितने भी वुडन के आर्टिकल्स होते हैं, वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. ओके नाउ सी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. See what is this? This is a spoon. Yes, this is a spoon. And now we'll see spoon kya karegi. Okay, now see kids. Aapne dekha spoon kya hua? Spoon to pani mein doob gayi, sink ho gayi na water mein. Because spoon is made up of a metal. All right kids, so aapko samajh mein aaya kaun se articles water mein sink hote hain aur kaun se article water surface pe float karte hain. Okay, now see what is this? This is a toy. This is a toy. And now we'll see toy ke saath kya experiment hoga. Aapne dekha kids, toy bhi water surface pe float kar raha hai. Ye bhi pani mein nahi dooba na, ye bhi float kar raha hai. Okay, now ab aap ma'am ko answer karenge ki kaun se object ke saath kya experiment hoga. Okay, now see, ma'am is showing you an object. See what are these? These are pebbles. And now you all have to answer ki pebbles ke saath kya experiment hoga.
कि पेबल्स के साथ क्या एक्सपेरिमेंट होगा, पेबल सिंक होंगे या फ्लोट होंगे? हु इज गोइंग टू आंसर? रेज योर हैंड. विराज प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. यस विराज अनम्यूट योर सेल्फ. Anybody else who wants to answer? Good morning, ma'am. Yes, good afternoon, beta. Now tell us ki pebbles ke saath kya experiment hoga? Sink honge. Very good. See, pebbles ke saath kya ho raha hai? Pebbles to water mein sink ho gaye, doob gaye. Very good. Okay, now see the next object. See, what is this? This is a ring. Yes. Okay, now we'll see ki ring ke saath experiment kya hoga. Ye sink hongi ya float hogi? Aapne dekha kids, kya hua ring ke saath? Ring to water surface pe float ho rahi hai. Ye to water mein nahi doobi. Okay, now see another object. What is this? This is a ball. Okay, now ma'am ko kaun answer karega? Raise your hand. Dhara, please unmute yourself. Yes, Dhara. Dhara, mute. No, beta. Let's see kya hota hai ball ke saath. Nahi dubegi. Yes, आपने देखा बॉल वॉटर सर्फेस पे फ्लोट कर रही है. तो ऐसा क्यों रहे? बिकॉज बॉल लाइट वेट की होती है एंड बॉल में एयर होती है. आपने देखा है ना बॉल कैसे फूलती है, एयर से फूलती है ना. तो ऐसे आइटम्स वॉटर सर्फेस पे फ्लोट करते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. सी, दिस इज अ प्लेट. अब मैम को कौन बताएगा कि प्लेट के साथ क्या एक्सपेरिमेंट होगा? ये सिंक होगी या फ्लोट होगी? Adira, please unmute yourself. Sink. Very good. Now let's see kya experiment hota hai plate ke saath. Very nice. Aapne dekha plate bhi water mein sink ho gayi. All right, kids. So aaj humne kya kiya? Aaj humne experiment kiya of sink and float. So kids, sink means tubna and float means tehna. And humne dekha na ki kitne sare objects hote hain aur wo water mein sink karte hain ya fir water mein float karte hain. So kids, aise objects jo kya hote hain, lightweight ke hote hain, jinme air content zyada hota hai aur jo wooden ke bane hue hote hain, wo water surface pe float karte hain. And aise objects jo heavy weight ke hote hain, okay, and jo metal ke बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? वाटर में सिंक हो जाते हैं. एंड और क्या किया आज हमने किड्स? वी डिड द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स. यस, आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स के बारे में पढ़ा ना. ओके, नाउ ये हमारी कौन सी क्लासेस चल रही हैं? ये हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं. एंड हम अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको लिंक शेयर किया है उसे ओपन करके देख सकते हैं या फिर स्कूल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द स्कूल यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.